रचना निर्मेय चार, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार, आधार का एक कोण और शेष दो भुजाओं का अंतर दिया है। उदाहरण चार, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5.2 सेंटीमीटर, कोण PQR बराबर 45 अंश और PQ ऋण PR बराबर 1 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आप त्रिभुजों की रचना कर रहे हैं और त्रिभुजों की रचना करने की अलग अलग परिस्थितियों को आपने देखा है कि किन किन परिस्थितियों में त्रिभुज की रचना हो पाती है या नहीं हो पाती। अभी हमारे सामने एक बहुत ही विशिष्ट और मज़ेदार परिस्थिति दी जा रही है जिसमें हमें त्रिभुज की रचना करनी है। आपके सामने जो त्रिभुज दिया हुआ है PQR, उसमें आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज की एक भुजा QR दी हुई है जिसकी माप 5.2 सेंटीमीटर है। बिंदु Q पर भुजा PQ और QR के बीच बनने वाला जो कोण है वह 45 अंश का है, यानी कोण PQR 45 अंश है, ये हमें दिया हुआ है। और भुजाओं की लंबाई नहीं दी हुई है, लेकिन हमें यह दिया गया है कि दो भुजाएं जो शेष बची हुई हैं उनकी लंबाइयों का अंतर 1 सेंटीमीटर का है। तो ये एक बहुत ही खास परिस्थिति है। हमें PQ भी नहीं मालूम और PR भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि PQ और PR की लंबाइयों का अंतर 1 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत खास परिस्थिति है। तो चलिए देखिए, यदि हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है तो हम क्या करेंगे। तो आपने पहले सीख लिया है कि पहले हम उस भुजा की रचना करेंगे जिसकी माप दी हुई हो और जिस पर कोण हम बना सकें। तो हमें QR की रचना पहले करनी होगी और उस पर हम एक कोण बनाएंगे 45 अंश का, फिर आगे की रचना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम स्केल की मदद से 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाते हैं। यह हमने शून्य से शुरू किया और बहुत सावधानी से इसे हमने ला के 5.2 सेंटीमीटर पर ला के रोक लिया। तो ये जो रेखाखंड हमें प्राप्त हो रहा है उसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। इनके नाम आप रख दें, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, और इस रेखाखंड की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाना है। हम चांदे के इस्तेमाल करें और कोण बनाएं। आपको मालूम है चांदे को कैसे रखना चाहिए, ये देखिए ध्यान से कि हम चांदे को किस प्रकार रख रहे हैं। ये जो बीच का बिंदु है चांदे का, उसे हम यहाँ लेके आ रहे हैं और जो शून्य शून्य को मिलाने वाली रेखा है वो हमारी त्रिभुज की उस भुजा के ठीक ऊपर है जो हमारे पास है। अब हमें 45 अंश का कोण बनाना है जो इस तरफ बनेगा। तो हम इस पैमाने पर शून्य यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, और ये ठीक 40-50 के बीच में बिंदु है जो 45 के लिए है। यहाँ हम निशान लगाएं और इसे आगे बढ़ा दें। ये हमने आगे बढ़ा दिया और इसे किरण का नाम दे दें। मान लीजिए हमने इसे किरण QX कह दिया। और यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम थोड़ा अलग से लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी कुछ काम करने होंगे हमें। इस कोण को हम लिख दें Q पर बनने वाला कोण बराबर 45 अंश। अब आगे देखिए, हमें दिया हुआ PQ ऋण PR बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं पर बिंदु P होगा, हमें पता नहीं वो कहाँ पर है। जहाँ भी होगा वहाँ से यदि आप PQ की लंबाई नापें और PR की लंबाई मापें तो आपको ये पता चलेगा कि PQ PR से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी PQ और PR की लंबाई का अंतर 1 सेंटीमीटर है। ये एक नई परिस्थिति है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो इनका अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पर पहले अंकित कर दें, तो उसके बाद जो लंबाइयाँ बचेंगी वो हमारी दोनों के लिए बराबर होंगी। तो हम स्केल पर पहले 1 सेंटीमीटर का फैलाव लें प्रकार पर। ये प्रकार के नोक को हमने शून्य पर रखा और पेन की नोक को हमने 1 पर रखा, और ये जो विस्तार है वो 1 सेंटीमीटर का है। सावधानी से हम यहाँ पर निशान लगाएं, नोक को क्यू पर रखें और यहाँ एक निशान लगा लें। ये ऐसा बिंदु है
जो क्यू से एक सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस बिंदु को आप एक नाम दे दें, मान लीजिए इसे हम डी कहते हैं, इसे हम थोड़ा दूर लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे ये जो डी है इस बिंदु के लिए है। अब देखिए, अब जो बिंदु पी हमको यहाँ पर मिलेगा, इस किरण पर जहाँ कहीं भी मिलेगा, वहाँ से डी की दूरी ठीक उतनी होगी जितनी उसकी आर से है। तो ये एक बात ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब हम डी और आर को मिलाएं और देखें कि इससे क्या संभावना बनती है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसको हम इस कटी हुई लाइन से मिलाते हैं, टूटी हुई लाइन से मिलाते हैं। ये हमने डी को आर से मिला दिया। अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं आगे। पी यहां कहीं पर स्थित है, कहीं भी होगा वो, तो P से जो D की दूरी है वो P से R की दूरी के बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि यदि किसी रेखाखंड का हम लंबार्धक खींचे तो वो लंबार्धक का प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के सीमांत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। यदि हम DR का लंब समद्विभाजक खींचे तो एक ऐसा रेखाखंड या एक ऐसी रेखा हमें प्राप्त होगी जो DR के ठीक मध्य बिंदु से गुजरेगी और समकोण भी बनाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है, उस लंबार्धक या लंब समद्विभाजक का हर एक बिंदु D से जितनी दूरी पर होगा R से भी उतनी दूरी पर होगा। यानी लंबार्धक इस किरण QX को जहाँ पर भी काटेगा वो बिंदु भी D से और R से समान दूरी पर होगा। तो इस गुण का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे और उस तरह से हम P को ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम DR जो रेखाखंड है उसका लंबार्धक खींचे, और लंबार्धक खींचना आपको मालूम है कि हम जिस रेखाखंड का लंबार्धक खींचना चाहते हैं उसकी कुल लंबाई जो है उसके आधे से थोड़ा अधिक का एक चाप लें, और थोड़ा बड़ा चाप ले लेते हैं हम, और इसे यहाँ पर हमने अंकित किया एक चाप, और ऐसा ही एक चाप हमने लाइन के दूसरी तरफ भी अंकित किया, और यही काम हम प्रकार के नोक को डी पर भी रख कर देखें और दोनों चापों को काटते हुए दो और चाप बनाएं। आप देख रहे हैं कि हमें दो बिंदु मिल रहे हैं, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। इनका भी हम नामकरण कर दें, मान लीजिए इसे हम S कह दें और इसे हम T कह दें। S और T को हम मिलाएं तो S T को मिलाने पर जो रेखा हमें प्राप्त होगी वो DR का लंबार्धक होगी या लंब समद्विभाजक होगी। चलिए इसे भी हम कटी हुई लाइन से मिलाते हैं। ये देखिए रेखा S T है जो DR को, मान लीजिए इस बिंदु को हम नाम दे दें, ओ पर काटती है, यानी ओ DR का मध्य बिंदु है और यहां जो कोण बन रहा है वो समकोण है दोनों तरफ। और ये जो ST है वो QX किरण को एक और बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु, इसको मान लीजिए हम P नाम देते हैं। तो जो बात हमने अभी आपसे की थी कि इस लंबार्धक पर स्थित हर बिंदु, जितने भी बिंदु यहाँ पर संभव हो सकते हैं, उनमें से प्रत्येक बिंदु D और R से बराबर दूरी पर होगा। यानी बिंदु P D से जितनी दूरी पर है R से भी उतनी दूरी पर होगा, और यही हमें चाहिए था। हमें एक ऐसे बिंदु की तलाश करनी थी किरण QX पर जो D और R से बराबर दूरी पर हो। तो ऐसा बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसे हम R से मिलाएं। अब आप इसे देख सकते हैं कि हमने PR की रचना कर ली और त्रिभुज PQR बना लिया। तो आपने जो रचना की थी उसमें आप ये देख पा रहे थे कि शुरू में आपने यहाँ पर एक सेंटीमीटर की लंबाई ली थी और यहाँ इसे आपने D नाम दिया था, और D से आपने एक बिंदु DP दूरी पर प्राप्त किया, और सम द्विभाजक के गुण से आप जान रहे हैं कि P और D की जो दूरी है वो P और R के बराबर है, यानी PD बराबर PR है। तो इस तरह से आपने एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें PQ PR से एक सेंटीमीटर अधिक है। तो यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है, इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं।
पी क्यू बराबर पी डी प्लस डी क्यू, पी डी प्लस डी क्यू, और आप देख रहे हैं कि पी डी जो है वो पी आर के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर धन डी क्यू। अब आप देखिए कि डी क्यू हमने एक सेंटीमीटर बनाया था, तो आप यहां लिख सकते हैं एक सेंटीमीटर। अब इस पूरे कथन को हम फिर से एक बार लिखें, इस पी आर का हम पक्षांतर कर दें, तो हमको मिलेगा पी क्यू माइनस पी आर बराबर एक सेंटीमीटर। और देखिए ये वही शर्त है जो हमको शुरू में दी गई थी, पी क्यू माइनस पी आर बराबर एक सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पर भी मिल रहा है पी क्यू माइनस पी आर बराबर एक सेंटीमीटर। यानी हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें एक भुजा की लंबाई दी हुई थी, उसके एक सिरे पर बने हुए कोण का मान भी दिया हुआ था, और शेष दो भुजाओं का अंतर एक सेंटीमीटर है ये हमें दिया हुआ था। तो ये उस त्रिभुज की रचना हुई जो हमारे लिए अभीष्ट था। एक बार आप खुद कोशिश कीजिए और देखिए आप इसे किस तरह कर पाते हैं।